तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं सिंगल्स किंग यूट्यूबर को। तो फिलहाल खेत पे हूँ मैं और हवा बहुत तेज चल रही है, हवा भी चल रही है प्लस बारिश भी आ रही है। ये देखें नीचे गीला हो रखा है और हमने हमारी जो कपास की खेती थी वो भी पूरी कर दी है और अभी उनको दो बार पानी पिला दिया है। अभी वो छोटी छोटी सी उगने लग गई है तो मैं आपको एक छोटी सी दिखा देता हूँ कपास की खेती है। जब ये देखिए अभी ये इतनी छोटी सी उग चुकी है, अभी इनको दो बार पानी पिला दिया है पर लेकिन आज बारिश भी थोड़ी तेज़ आ गई है तो अभी थोड़ा और दिन चल जाएगा, सूखेगा नहीं। ये देखिए फिलहाल अभी ये पानी भरा हुआ है। अभी मैं खेत पे शाम के समय में ऐसे ही टहलने आया हूँ तो मैंने सोचा कुछ वीडियो शूट कर लेते हैं क्योंकि दो तीन दिन हो चुके हैं तो वीडियो नहीं बनाया। तो ये है हमारे खेत ये और ये इधर पीछे जो है ये इधर कुआं है और अभी बारिश भी आने लग गई है, फिर से वापस बारिश आने लग गई है। और ये हमारा खेत ही है, ये भी हमारा खेत है और ये भी हमारा खेत है और ये है जो ये भी हमारा खेत है। हमारे तीन खेत है, खेत तो और भी है पर लेकिन उधर सही नहीं है, थोड़ा आउट ऑफ पड़ जाते हैं इसीलिए। तो मैंने बोर का भी हवा काफ़ी चल रही है, बोल भी यूँ आगे पीछे हो रहा है। तो ये देख लीजिए सीन अभी ये है अभी, क्योंकि अभी इसके अलावा कुछ काम भैया बारिश बहुत तेज़ आ चुकी है। मैं तो चप्पल उतार के रखता हूँ, ये नीचे चप्पल गिरे हुए चल रही है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ हमारे जो रचका है वहां पर और अभी रचका जो है इसको पानी पिला रहे हैं। ये पानी आ रहा है, ये हमारे पानी आ रहा है। तो अभी रचका है तो रचके को दो तीन दिन में पाना ही पड़ता है, पानी पिलाना ही पड़ता है इसको। ये पानी आ रहा है अभी। तो अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में आप घर पे क्या कर सकते हैं, मैं कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ जो कुछ आप घर पे रहकर कुछ अपना टाइम पास कर सकते हैं, एक तरह से मान सकते हैं कि टाइम पास हो सकता है आपका, क्योंकि अभी घर पे कुछ काम तो है नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है कि अभी आपके लिए ओनली अभी मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप कुछ भी सब्जी हो तो आपके खेत में बो दो, कुछ भी सब्जी चाहे भिंडी हो चाहे गवार हो, जो आपके दिमाग में जो आपके खेत पे लगे कि यहाँ पर ये सब्जी अच्छी हो सकती है वो बो दो। और दूसरा है हमारे इधर कपास बोते हैं तो हम लोगों ने कुछ दो तीन खेतों में कपास बो रखी है तो अगर आप चाहें तो कपास भी बो सकते हैं अगर आप लॉकडाउन में घर पर बैठे हैं। तो बहुत सारे मैं अभी देख रहा हूँ जो भीम जाता हूँ मैं हर रोज़, तो आप देखता हूँ हर रोज़ आदमी उधर से बैग लेके आते हैं, क्योंकि जो बाहर फंसे हुए लोग अपने अपने घरों में आ रहे हैं और यहाँ पर आके भी कोई काम नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है। तो आप मेहनत करके खेत पे काम करें, अब मुझे लग रहा है यही मेहनत आपके काम आएगी लॉकडाउन में, क्योंकि अभी आप गांव में आ गए तो गांव में आपको ऐसा कोई काम नहीं है जो 400-500 मिल जाए दिन के। अगर आप मजदूरी करके भी 300-350 मिलते हैं मजदूरी करते हो तो भी, बाकी अगर आप इंटरेस्ट हो तो सब्जी बेचना स्टार्ट कर दे। अगर आपको कोई शर्म नहीं आती हो भाई कि यार मेरे कोई शर्म नहीं है तो सब्जी बेचना स्टार्ट कर दे, पर लेकिन इसमें भी बहुत कंपटीशन है तो आप उसी के हिसाब से एक दो बार सब्जी लेके आए और सब्जी अगर आपसे बिकती है तो बेचे। बाकी अगर आप चाहे तो अपने खेत पर सब्जी या कपास जो भी आपको अच्छा लगे कि आप खेती कर सकते हैं
तो आप वो कर सकते हैं। बाकी आपको इस गांव में और कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी गांव में काम नहीं है। कई कमटे का काम भी चलता है, पर लेकिन अभी लॉकडाउन है तो काम कमटे का भी नहीं चल रहा, क्योंकि सामान जो मिलता नहीं है, सीमेंट वगैरह ये नहीं मिलता है, कुछ लोहे वगैरह की ज़रूरत होती है वो भी नहीं मिलते हैं। तो आप इस टाइम ये कर सकते हैं, और मैं भी यही करता हूँ। मैं तो अभी ये कुछ काम होता है तो काम कर लेते हैं, बाकी इसके अलावा और काम नहीं है। अगर आप चाहे तो खेती में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं और आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं एंड करेंगे, और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।